Last coach with luggage. बाजू का ले ये लोग आ रहा भाई वो वाले बोला मेरी जान तो कुछ मर भी गए हैं इसमें से वैसे और ये वही मुर्गे हैं वो चूजे हैं जो बड़े होकर मुर्गी बनती है पारी में मुर्गियाँ जो खाते हैं अपन लोग आप खाने के हम लोग जो खाते हैं लेकिन बाहर निकल रहे हैं डब्बों में सारे काफी सारे मर भी गए दोस्तों अलग करा जा रहा काफ़ी सारे काटन है ये पोल्ट्री फार्म में जाएंगे वहाँ पे जाके बड़े होंगे एक महीने में जवान बड़ा कर देते हैं मुर्गी जो खाने के लायक हो जाती है इंजेक्शन डाल के मशनुई ये बना देते हैं एक महीने में और असल मुर्गा जो है वो 6 महीने बाद तैयार होता है 6 से 1 साल लगता क्या हाल है आपका अल्लाह अल्लाह का शुक्र क्या नाम है आपका मेरा नाम है फरमान अली भाई कहाँ से ताल्लुक रखता है मेरा असल ताल्लुक तो लड़काना से अच्छा लड़काना से हाँ घर मेरा कोटरी में ड्यूटी इधर हैदराबाद अच्छा ड्यूटी हैदराबाद है और ये चूजे कहाँ से आए इतने सारे खाने वाले और फैसलाबाद से आते हैं हमारे पास अच्छा स्टेशनों से आते हैं सही से जो आएंगे तो फैसलाबाद से अच्छा फैसलाबाद से 185 कार्टून थे 185 कार्टून एक कार्टन में कितने चूजे ये एक कार्टन में 100 के करीब होंगे नहीं 100 से कम होते हैं 100 से कम होते हैं 80-70 अच्छा अच्छा काफ़ी सारे मर भी गए मैंने देखे ये इनका ये होता है कि ये एक दिन के होते हैं अच्छा एक दिन के हाँ ये बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है कि एक दिन के चिक्स होते हैं ये सही सही कोई क्लेम व्लेम नहीं होता ये इनकी अपनी जिम्मेदारी होती है अच्छा जो मर वगैरह जाएँ तो ये तो वैसे भी मर जाते हैं बिल्कुल हाँ अच्छा आधे से ज़्यादा तो मर जाएंगे अच्छा पोल्ट्री फार्म में जाएंगे पोल्ट्री फार्म हैदराबाद वाला हाँ पोल्ट्री फार्म तो कितने एक महीने में तैयार हो जाती है मुर्गी टाइम लगता है तो ये आपको बताएंगे फार्म वाले हैं हाँ वो तो सही है इंजेक्शन करके तैयार कर देते हैं ये इंजेक्शन लगा के जो हम मुर्गी खा रहे हैं एक महीने में वही जी जी वही तो 15 दिन में भी तैयार कर देते हैं अच्छा हाँ और असल देसी जो होता है 5-6 महीने तो होता है देसी तो टाइम लेता है ना असल देसी भी हमारे पास आते हैं अच्छा अच्छा लेकिन देसी कम आते हैं ज़्यादा नहीं आते वो महंगा जानवर देसी बहुत महंगा है कम आता है ये तो फार्मिंग है ये तो बहुत ज़्यादा आता है जी जी उनका सीजन है ना ये सर्दियों में रोजाना इतना ही आता है सही सही हाँ 100-150 कार्टून आता ही आता है मान अरे बहुत शुक्रिया आपका आपने बहुत ताउन किया सलाम वालेकुम बाय सलाम ZCU 36318 के साथ
आ गया है। लास्ट कोट पावर बैंक काफी सारे मर गए। कुछ बच्चों को देंगे अब। सही से दाना पानी खिलाना है इनको, ख्याल रखना है इनका। उसकी गर्दन दब रही है, निकाल रहा है। सही बात, काफी मर गए। अच्छा दोस्तों, इतना टाइम लग रहा है, मैंने इनसे पूछा है कि क्या मसला है। इनकी तरफ से तो ये क्लियर है, जो ट्रैक इन्होंने थोड़ी मरम्मत की है इसकी, तो आगे जो फाटक है 5-6 किलोमीटर देथा की तरफ, हैदराबाद से जब टंडो आजम की तरफ जाते हैं तो 4-5 किलोमीटर आगे, 5-6 किलोमीटर आगे सुना है कि ट्रक जो है वो कल्टी हो गया फाटक पर, गन्ने का ट्रक है। तो अब देखते हैं आगे जाके, तो आगे जाके अब पता चलेगा क्या सूरत हाल है, गन्ने के ट्रक को उठा लिया या GMU-30R का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 8000 लीटर देख सकते हैं। GMU-30 देखते हैं कब तक चलती है, एक घंटा से ज़्यादा हो गया इसको यहाँ पे रुके हुए। बस से चल चुकी है ट्रेन हज़ारा एक्सप्रेस, हैदराबाद के यार्ड से निकल रही है, यहाँ पे इसका प्लेटफॉर्म एंड होता है। अब आगे जाके मिलते हैं आपसे नहर पे। आहिस्ता स्पीड पकड़ती जा रही है और लिए इस वक्त 2 बज रहे हैं हैदराबाद से, और अब देखते हैं टंडो आदम कब तक पहुंचती है। तकरीबन 3 घंटे लेट है, 11 बजे यहाँ से चली जाती है हैदराबाद से, लेकिन आगे कोई इशू थे वो मैंने बता दिया आपको पहले, इसी लो हो गई, देखते हैं क्या मसला है। ये पहली नहर है दोस्तों फुलेली चैनल, और 2 और आएंगी, ये थोड़ी गंदी है गंदा पानी, आगे साफ आएगी। पिनियारी चैनल जो है वो थोड़ा साफ़ है, ये देख सकते हैं इसमें थोड़ी गंदगी है। नहर आ रही है दोस्तों पिनियारी चैनल, ये साफ पानी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरी नहर है छोटी है थोड़ी, देता आने वाला, हवा अच्छी चल रही है दोस्तों, ठंडी हवा, अभी दिन के 2:15 बज रहा है।